हाय फ्रेंड, अगर आप भी वोडाफोन आइडिया या एयरटेल के कस्टमर हैं तो आप भी इन दिनों परेशान होंगे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कंपनी ने मिनिमम 35 रुपया का रिचार्ज लाकर सारे लोगों को परेशान कर दिया है। सभी लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, क्योंकि अगर 35 का रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ तक बताया जा रहा है कि आपकी इनकमिंग कॉल को भी रोक दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जिसे मैं बताकर आपको बताऊँगा कि हमारी वैलिडिटी कैसे बढ़ गई। पहले फ्रेंड, हमें मात्र 3 दिसंबर तक का वैलिडिटी दिखाया जा रहा था, लेकिन बाद में फ्रेंड हमारा वैलिडिटी 2021 तक हो गया। तो फ्रेंड, हमारा वैलिडिटी कैसे बढ़ गया, सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं टैक दल। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से जान लेते हैं कि हमारे सिम की वैलिडिटी कैसे बढ़ गई। जैसा कि फ्रेंड आप हमारे बगल में मैसेज देख रहे हैं, हमारे सिम की वैलिडिटी पहले 3 अगस्त 2018 तक ही बताई जा रही थी। इसलिए हमें लगा कि इस सिम को मैं रेगुलर रिचार्ज नहीं करवाता हूँ, मुझे जियो में पोर्ट करा लेना चाहिए। इसलिए मैंने UPC कोड मंगाया ताकि मैं जियो में पोर्ट करा सकूं। लेकिन फ्रेंड, उसके 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि हमारी वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। हमारी वैलिडिटी 16 अगस्त 2021 तक दिखाई जाने लगी। जैसा कि फ्रेंड बगल में आप देख रहे हैं, हमारे जो मैसेज में आया था वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारा वैलिडिटी 16 अगस्त 2021 तक दिखाया जा रहा है। इस तरह से फ्रेंड हमारे सिम का वैलिडिटी बढ़ गया। लेकिन फ्रेंड, हमें समझ में नहीं आया कि एयरटेल का यह कौन सा फंडा है, कौन सा नियम है, क्योंकि जो कंपनी को छोड़कर जाना चाहता है आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा देते हैं, और जो आपके साथ रहना चाहता है उसकी वैलिडिटी को आप नहीं बढ़ाते हैं। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी यह पसंद नहीं आया। जब तक मैं आपके साथ था आपने हमारी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई, और मैं दूसरे कंपनी में जाने लगा तो आपने हमारी वैलिडिटी बढ़ा दी। लेकिन फ्रेंड, एयरटेल का यह फंडा हमारी समझ में नहीं आया और मैंने सिम को जियो में पोर्ट करा लिया। लेकिन फ्रेंड, अगर आपके इलाका में एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया का ही टावर अच्छा रहता हो और आप वही सिम को यूज करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। इस ट्रिक से अगर आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ती है तो आपको जो करना है आप कर सकते हैं, चाहे तो उसी कंपनी में रहें या चाहे तो जियो में पोर्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपके सिम के वैलिडिटी को बढ़ाया गया कि नहीं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।